अलविदा साल 2017, विराट ने संभाली बागडोर, भारतीय क्रिकेट ने देखा अपना सुनहरा दौर। भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2017 एक ऐसा साल रहा जहां उसने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने का सपना हर टीम देखती है। साल का अंत होने तक टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी बादशाहत और मजबूत की। हालांकि भारत ने अधिकतर क्रिकेट अपने होम ग्राउंड पर खेला, लेकिन जो हासिल किया वो घर में स्वर्णिम काल से कम नहीं। एक भी सीरीज में हार नहीं मिली, टेस्ट में कोई भारत को मात नहीं दे पाया। T20 में टीम ने अपने वर्चस्व को और मजबूत किया, जो टीम सामने आई उसे हार ही मिली। साल की शुरुआत वैसे नहीं रही थी जैसा अंत हुआ। मैदान से बाहर भारत ने काफी कुछ देखा। 2 जनवरी को ही BCCI की बागडोर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के हाथों से छीन ली। ठाकुर के साथ अजय सिकरे भी सचिव पद से हटा दिए गए। लोहड़ा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने से चूक के चलते BCCI को काफी कुछ झेलना पड़ा। इसी बीच मैदान के अंदर भी काफी कुछ हुआ। देश को 2 बार वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 की कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया। देश ने जिस शख्स को सिर्फ और सिर्फ कप्तान के रूप में देखा था, वो अपनी इच्छा से अपना पद एक युवा और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली को देने को तैयार हो गए। कोहली ने संभाली बागडोर। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने इस बागडोर को लिमिटेड ओवर में बखूबी संभाला और पहली सीरीज में इंग्लैंड को मात दी। इंग्लैंड को वनडे और T20 में शिकस्त देने के बाद भारत ने टेस्ट में अपने विजयी क्रम को बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के रूप में उसके लिए ऐसी चुनौती खड़ी थी जो बेहद मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में खेले गए पहले मैच को जीतकर बता दिया था कि भारत उसे किसी भी कीमत में हल्के में ना ले। एक मुश्किल पिच पर अश्विन और जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ शत की पारी खेल मैच को अपने नाम कर ले गए। लेकिन भारत ने यहां हार नहीं मानी और फिर शानदार वापसी करते हुए 4 टेस्ट मैच की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। ICC टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को मिली हार। बेहतरीन फॉर्म के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड की जमीन पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पहुंची। भारत इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। उम्मीद के मुताबिक उसने प्रदर्शन भी किया और फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। फाइनल भारत और पाकिस्तान जैसी 2 चिर परिचित प्रतिद्वंदियों के बीच थी। पाकिस्तान ने इस मैच में भारत को एकतरफा मात दी और पहली बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को हराया और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। कुंबले और कोहली का मनमुटाव। मैदान पर टीम की हार से मायूस प्रशंसकों को इस दौरान एक और झटका लगा। टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के बीच मनमुटाव की खबरों ने बाजार गर्म किया। इस विवाद पर कुंबले ने अपना इस्तीफा देकर मुहर लगाई, जिसमें उन्होंने कोहली के साथ मनमुटाव की बातों को सरेआम कबूला। कोच का मुद्दा गरमाया। इंग्लैंड से टीम बिना मुख्य कोच के वेस्टइंडीज पहुंची, जहां वनडे सीरीज में उसने मेजबान को 3-1 से हराया, लेकिन T20 में हार गई। घर लौटते ही कोच का मुद्दा एक बार फिर गरमाया और टीम के पूर्व डायरेक्टर रहे रवि शास्त्री ने मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन दाखिल किया। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इस रेस में शामिल हुए, लेकिन कोहली के पसंदीदा शास्त्री को कोच पद का कार्यभार मिला। विवाद सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। कोच चुनने वाली CSE ने जहीर खान और राहुल द्रविड़ को टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज सलाहकार के तौर पर चुना, लेकिन मुख्य कोच शास्त्री भरत अरुण को गेंदबाजी कोच के रूप में देखना चाहते थे। उन्हीं की सुनी गई और अरुण ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। शास्त्री का कोच के तौर पर पहला दौरा श्रीलंका के साथ था। भारत ने श्रीलंका को उसी के घर पर 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 3-0 से मात दी। इसके बाद वनडे सीरीज में भी भारत ने श्रीलंका को 5-0 और एकमात्र T20 में भी मात दी। श्रीलंका से लौटने के बाद भारत ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी की और उसे सीमित ओवरों में करारी शिकस्त दी। वनडे सीरीज पर भारत ने 4-1 से कब्जा जमाया। इस वनडे सीरीज में कोलकाता में खेले गए मैच में कुलदीप यादव ने हैट्रिक ली। वो वनडे में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले 3रे गेंदबाज बने। उनसे पहले चेतन शर्मा और कपिल देव ने वनडे में भारत के लिए हैट्रिक ली थी। भारत ने वनडे के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 में भी मात दी। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी के बाद भारत ने 3 T20 और 3 वनडे की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी की और उसे भारत ने दोनों ही फॉर्मेट में शिकस्त दी। साल का अंत रहा शानदार। तकरीबन 3 महीने बाद भारत और श्रीलंका के बीच फिर सीरीज खेली गई, लेकिन इस बार मेजबान भारत था। भारत ने अपने घर में श्रीलंका को 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से धूल चटाई। भारत की ये लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत थी और इसी के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया के लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत का विजयी क्रम यही नहीं रुका, उसने श्रीलंका को वनडे सीरीज में 2-1 और T20 में 3-0 से मात देते हुए साल का अंत द्विपक्षीय सीरीज में अपराजित रहते हुए किया। भारत ने साल का अंत टेस्ट सीरीज में पहले स्थान और T20 और वनडे में 2रे स्थान के साथ किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत ने इस साल जो प्रदर्शन किया
और अपनी बादशाहत का लोहा मनवाया उसे देखते हुए भारत से अगले साल भी इसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि अगले साल उसे अधिकतर क्रिकेट घर से बाहर खेलनी है, जो इस युवा और संतुलित माने जाने वाली टीम की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 28 परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं।